हर घर में छोटे छोटे कारणों की वजह से ही क्यों ना हो बाप बेटों में मनमुटाव या कभी कभी ऊंची आवाज़ों में झगड़े होते ही हैं। आकाश अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके देखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो, सुबह जल्दी उठा करो, कितने आलसी हो गए हो। कभी जॉगिंग नहीं करते, दिन भर में न जाने आकाश को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़े ही हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ, दो दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होने है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को, शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। दो दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका आकाश को बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेटकीपर नहीं था। आकाश ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। आकाश ने रुककर स्क्रू को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल रखे थे, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर आकाश को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। आकाश से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले आकाश की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर गई जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। आकाश ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगे दो पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर साइड कर पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? आकाश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसके नौकरी पक्के होने की कन्फर्मेशन है या फिर कोई टिरकरी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले जब सैलरी और क्या काम करना है यह बताया तब आकाश को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। आकाश बहुत खुश था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि न कोई सवाल न एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे के भाव देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स
कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता सकते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ आवश्यकताएं सेट कर रखी थी, वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी कैमरे पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर अपने बूट और चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर आकाश को फिर से अपने पापा याद आए और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने में के लिए उस पर कितनी बार छेनी और हथौड़ी चलाता है। आकाश जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी की कन्फर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों में रख देता है। उसने माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा आकाश को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहें तो उसके पीछे का कारण जरूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटें या टोकें तो उसके पीछे के सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हैं, मगर आपके पेरेंट्स नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।